हेलो एवरीवन, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों को छोटी ई की मात्रा कैसे सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को बताएं कि छोटी की मात्रा कैसी होती है। बच्चों को मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। छोटी ई की मात्रा ये होती है, बच्चों को बताएं ये छोटी ई और इसकी मात्रा ये होती है जो किसी भी अक्षर के लेफ्ट साइड में लगती है, यानी कि अक्षर से पहले लगती है। ओके, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे आपको बच्चों को इसे कैसे सिखाना है। तो बच्चों को बताएं, जब हम किसी भी अक्षर पर छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उसको किधर लगती है, लेफ्ट साइड, यानी कि अक्षर से पहले। जैसे कि क में अगर हम छोटी की मात्रा जोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा कुछ, और इसको बोलेंगे कि। छोटी की मात्रा के साउंड को बहुत धीरे बोला जाता है कि। ऐसे ही न पर छोटी की मात्रा नी, प पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो पी, र पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो री। साउंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी की मात्रा और बड़े की मात्रा दोनों का साउंड डिफरेंट होता है। ओके, बच्चों को इस तरह से मात्रा का पहचान कराए और उन्हें अभ्यास कराए। उसके बाद बच्चों को छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अभ्यास कराए। जैसे कि की, किसे क्या होता है, किताब, जो वो किताब पढ़ते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, किताब, का पर छोटी की मात्रा, किताब। बच्चों को साउंड भी अच्छे से बोलना आना चाहिए। गिलास, जिससे वो पानी पीते हैं उसको बोलते हैं गिलास, और लिखते कैसे हैं उन्हें ये भी बताएं। गिलास की पिक्चर बनी है तो गिलास को कैसे लिखते हैं, गिलास। इमली, इमली में छोटी ई लिखा है इसलिए ई पे मात्रा नहीं आती है, इसका भी बच्चों को अभ्यास बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करेंगे, इस पे भी मात्रा लगा देंगे तो उन्हें बताना है कि ई पर कोई मात्रा नहीं लगती, ये अपने आप में खुद ही एक मात्रा है। इमली, दिया, दिया। और इनका लिखकर भी अभ्यास कराएं। आप पिक्चर बना दें और बच्चों से कहें लिखो, गिलास कैसे लिखते हैं, दिया कैसे लिखते हैं, इमली कैसे लिखते हैं। इस तरह से बच्चों को छोटी की मात्रा वाले शब्द बोल बोल कर लिखाएं। बच्चों को पाठ पढ़ाएं जिसमें छोटी की मात्रा वाले शब्द हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पाठ लिखा हुआ है, चिड़िया चिड़िया गाना गा, गाना गाकर दाना खा, दाना भरकर डलिया ला, चिड़िया आई दाना खिला। यहाँ पर चिड़िया शब्द बार बार आया है, बच्चों को ऐसे शब्दों का अभ्यास कराएंगे। चिड़िया कैसे लिखते हैं वो बार बार लिखेंगे, डलिया कैसे लिखते हैं डलिया ऐसे लिखते हैं, उनको पढ़ाते समय बीच बीच में ये जरूर बताएं कि किस शब्द को कैसे लिखते हैं। इसके अलावा बच्चों को कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी करवाएं, जैसे कि शब्दों को पूरा करो। यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर बना दी है, अब पिक्चर को पहचान कर बच्चों को इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर बनी है, किसकी बनी है, किताब, तो बच्चे यहाँ पर सोचेंगे किताब लिखना है तो ताब तो पहले से ही लिखा हुआ है, उनको यहाँ पर क्या फिल करना है, कि, तो बन जाएगा किताब। ऐसे यहाँ पर चिड़िया, ओके, तो यहाँ पर वो क्या फिल करेंगे, ची, क्योंकि ची से चिड़िया। मिठाई दिख रही है तो बच्चे से बोलेंगे क्या भरेंगे यहाँ पे, मिठाई, क्योंकि इसको मिठाई बोलते हैं। ये क्या है, इडली, तो बच्चे यहाँ पर ई फिल करेंगे, छोटी ई, इडली, क्योंकि ये इडली की पिक्चर है। इस तरह से हम बच्चों को छोटी छोटी वर्कशीट कराकर उनकी मात्रा के कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और उन्हें मात्रा अच्छे से अभ्यास करा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को कुछ इस तरह का अभ्यास कराएं, जैसे कि आपने काफी सारे अक्षर लिख दिए और बच्चों को बोलो आप इन अक्षर को मात्रा जो लगी हुई है इनके साउंड मात्रा के साथ में इनका साउंड का अभ्यास करो। जैसे कि, खि, गि, घि, रि, चि, छि, जी, झी, टी, उनको, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला खि तो वो बोलेंगे खी, गी,
घी, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को मात्राओं का अभ्यास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी ये गलतियां इनको आगे जाके बड़ी क्लासेस में बहुत परेशान करती हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से हर मात्रा का अभ्यास करा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप उसे लाइक करें। अगर आपको कुछ इसमें गलतियां हो तो आप कमेंट करके अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।